हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोग ठंडी सड़क पर गए थे और वहाँ से आके कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया, तो मम्मी और हमारी सासू माँ और अंशु वो लोग मंदिर के पास ही रुक गए थे, कह रहे थे हम लोग रूम पे नहीं जा रहे, और मैं और मनीषा रूम पे फ्रेश होने आए हुए थे। तो मनीषा जो है अंदर अभी फ्रेश वगैरह हो रही है, और मौसम अचानक से सडन चेंज हो गया। मैंने दिखाया था लास्ट ब्लॉग में ही, जो कि आज ही के दिन का था, कि कितनी धूप थी, और अभी का मौसम मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइज, आप लोग देख पा रहे हैं, शायद कैमरे में साफ दिखाई दे रहा होगा या नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, खूब ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मौसम एकदम से ही बहुत ख़राब सा हो गया। लेकिन कुछ भी कहो गाइज, आँखों को सुकून मिलता है यहाँ का हर तरीके का मौसम देख के। ये देखिए गाइज, पहाड़ों पर बादल लगे हुए हैं, तेज़ी से बारिश हो रही है, और उसके बावजूद भी लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो हमारा प्लान था अभी टिपिन टॉप पहाड़ी पे जाने का, जो कि है उस पहाड़ी के टॉप पे। अब देखते हैं वहाँ हम जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि बारिश होने लग गई है। हालांकि बारिश अब थोड़ी पहले से हल्की हो चुकी है, तो जैसा भी होगा हम वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। गाइस देखिए, मनीषा पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। परफेक्ट लग रहा है एकदम। तुम्हारे बोलने से थोड़ी होता, सब लोग बोलेंगे तभी। तो कमेंट्स में बताना गाइस, मनीषा अच्छी लग रही है कि नहीं। तो गाइस आज है सैटरडे और इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ हो चुकी है, चारों तरफ क्राउड ही क्राउड है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, और माल रोड का तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ तो ब्लॉग भी नहीं बना पाए, क्योंकि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी वहाँ पे केवल। और अभी हमारा प्लान बन रहा है टिपिन टॉप जाने का, लेकिन आप देख सकते हैं सामने बादल लगा हुआ है, थोड़ी देर पहले बारिश भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, नीचे देखिए पूरा गीला गीला है। तो देखते हैं अभी क्या करना है, आप लोगों को बताएंगे। कितने की है ये? तो गाइस, प्लान में सडन ट्विस्ट आ गया है। थोड़े से ही ऊपर हम लोग आए थे, लेकिन चढ़ाई इतनी स्टीप है ना कि मनीषा अपना हिम्मत हार बैठी है। और देखिए मेरे भी पसीने से बहुत कोई भी हार जाएगा, बुरा हाल हो रहा है, दिखने में ऐसा लग रहा है। चढ़ाई बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूलों की छुट्टी के स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। तो गाइज फिलहाल हम क्या पहन के आना चाहिए था मुझे घर में पहनने वाले डेली यूज के कपड़े, पहने क्या है। तो गाइज अभी देखते हैं, बैठ के सोचते हैं कि क्या करना है आगे, और उसके बाद जो भी होगा आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करते रहेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। तो गाइज टिपिन टॉप में थोड़ा सा ऊपर तक हम लोग गए, और उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, और अभी हमारा प्लान बन रहा है बोटिंग करने का। तो देखते हैं गाइज कितनी ठंड लगती है बोटिंग करते हुए। सुना है कि बोटिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, पहले काफ़ी टाइम पहले एक बार किया था। तो एक्साइटेड हो तो चलिए दिखाते हैं आप। तो गाइस अंशु के पापा ले रहे हैं टिकट, और मम्मी लोगों ने जो है हाफ राउंड लगाया था, हम पूरा फुल राउंड इसका हम घुमाएंगे। तो ये आ गया गाइज अपना सेफ्टी गार्ड, इसको हम पहन लेते हैं। आइए सर। तो गाइज मैं इधर बैठी हूँ और ये इधर बैठ गए हैं, और ये बीच सेंटर में ही बैठे हैं, क्योंकि नाव में जो है थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है। तो गाइज बहुत ज्यादा ठंड लग रही है वाकई में, कैसा लग रहा है? पानी पानी छूने का मन कर रहा है, पर मैं बीच सेंटर में मुझे बैठना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। अगर दो जने होते तो मैं साइड से थोड़ा सा पानी को टच कर पाती, पर यही थोड़ा सा रहेगा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ? और पीछे का नजारा भी आप देख सकते हैं, बादल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है।
टाइम भी लगभग हो गई है, बस अभी हम उतरेंगे और फिर चलते हैं मंदिर। तो चलिए, बोटिंग कंप्लीट हो गई है गाइज और अब उतरना है। डर लग रहा है मेरे को। मनीषा उतर रही है देखिए बोट से, संभाल के बीचों बीच। तो गाइज अपनी बोटिंग कंप्लीट हो गई है, अब अंशु और मम्मी मंदिर में बैठे हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग उनके पास। देखिए मनीषा कॉपीराइट लाने की कोशिश कर रही है, चुप जाओ कॉपीराइट आ जाएगा। तो ठीक है गाइज, देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। तो देखिए गाइज मनीषा यहाँ आके भी शॉपिंग में लग गई है। क्या लिया है तुमने दिखाओ? ये इयरिंग लिया है। तो गाइज मनीषा ने लिया है एक बैग, साइड बैग दिखाओ जरा। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं नैना देवी मंदिर, क्योंकि यहाँ आरती शुरू होने वाली है, शाम के 7 बज चुके हैं और पीछे का मौसम देख सकते हैं। तो आरती जैसे ही शुरू होती है आप लोगों को दर्शन ज़रूर कराएंगे। पैरों के तली में ना दर्द हो रहा है, सुबह से चलते चलते दर्द हो गया।